अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेस। हालांकि पिछली क्लास में हम लोग ने पूरे पावर जनरेशन के सोर्सेस पढ़े थे, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। तो आज के लेक्चर में हमें ये जानना है कि इन तीनों में से कितना कितना परसेंट थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर जनरेट करता है। ठीक है, तो वो आज के हमें टॉपिक में पढ़ना है, पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सोर्स लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, तो यहाँ पे थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और यहाँ पे न्यू या फिर रिन्यूएबल एनर्जी लिख दिया है। अब देखिए थर्मल पावर से हमें 67% पावर जनरेट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स की हेल्प से हमें 13.6% जनरेट होता है, न्यूक्लियर पावर से 2.1 और रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप होपफुली जानते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हमेशा रीजनरेट हो जाती है और कभी खत्म नहीं होती, जैसे सोलार एनर्जी। ठीक है, उससे कितना परसेंट जनरेट होता है, 17.3% जनरेट होता है। तो आप इसका सम निकाल देंगे तो आपको 100% ही दिखेगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में आपको करना क्या, पहले तो आपको एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको चार्ट बनाना है, जैसा मैंने यहाँ बनाया, फिर इस चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बहुत इजी है, यहाँ पे मैंने वन लिखा, वन का मतलब है थर्मल से 67% हो रहा है बिगेस्ट सोर्स ऑफ जनरेशन, मतलब इनमें से, इन चारों में से आप देखेंगे तो थर्मल का सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन 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 तीन का। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ लिखा है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ जनरेशन। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो न्यूक्लियर से सिर्फ 2.1 होता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, सबसे लोएस्ट है। और साथ ही साथ आपको मुझे और एक चीज बतानी है कि बच्चों इस चीज में ना बहुत ही हंगामा हुआ था, कुछ पीपल कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेशन बढ़ा देना चाहिए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से और जनरेट होना चाहिए। कोई पीपल कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का जनरेशन की, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से पावर का जनरेट होना कम करना चाहिए, क्योंकि अगर कम नहीं होगा तो उससे एनवायरमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए कोई कोई लोग ने बहुत आर्ग्यू किया, क्योंकि आप सभी को पता है न्यूक्लियर जो होता है वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनता है, यूरेनियम, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, अब थर्ड चीज में आप बता सकते हो, जैसे थर्ड चीज में यहाँ पे मैंने लिखा रिन्यूएबल का 17.3 है, तो ये आप ऐसे भी समझा सकते हो कि ये थर्मल के बाद रिन्यूएबल सोर्स से ही सबसे ज्यादा पावर जनरेट होता है। ठीक है, और फिर फोर्थ पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहला सबसे कम जनरेट होता है न्यूक्लियर का, उसके बाद सबसे कम होता है हाइड्रो का, फिर उसके बाद रिन्यूएबल का उससे ज़्यादा होता है, फिर सबसे ज़्यादा थर्मल से होता है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से कम बता दीजिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, मतलब सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा थर्मल में होता है, फिर उससे कम होता है आपका रिन्यूएबल में, उससे कम होता है आपका हाइड्रो में, उससे कम होता है न्यूक्लियर पावर में। तो इससे आप एग्जाम्स में इस तरीके से चार्ट की हेल्प से आप समझा सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम्स में ये चीज़ लिखनी नहीं है, तो बस मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये वाला लेक्चर जो होता है खत्म होता है, मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और सभी आपको मैं हर बार कहता हूँ, नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में अवेलेबल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, आपको सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की उस प्लेलिस्ट में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, बाय, एंजॉय टेकिंग, चीयर्स।